हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 7 to 8 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर, और उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया है वो है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 4 एंड हाफ इंचेस। तो यहाँ पे हमें एक मार्क कर लेना है। आर्म होल में लूंगी यहाँ पे सिर्फ 2 एंड हाफ इंचेस। तो ये हो गया हमारा आर्म होल, दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूंगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सीम आउंस के लिए। उसके बाद मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 10 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7 एंड हाफ इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। तो टॉप पार्ट में इतनी सी मार्किंग थी, इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इसे ओपन करेंगे हम, तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड किया हुआ है, हमें बॉटम का पार्ट कट करना है। तो ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 11 इंचेस जितना। अब जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था, उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है कॉर्नर से, और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हमें मार्क कर लेना है। अब ये जो हमने मार्किंग लगाई थी, यहाँ पे हमें लेना है क्रॉच लेंथ, तो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस, और उसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ तक हमने मार्क किया है। ये हो गया हमारी क्रॉच लेंथ। अब ये यहाँ पे जो हमारी लेंथ ख़त्म होती है, वहाँ पे हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्क लगाना है, और यहाँ पे हम इस तरह से लाइन को एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में नीचे तक लेंथ तक इसे एक्सटेंड कर लेना है। अब यहाँ पे हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने बॉटम के पार्ट की मार्किंग कर ली है, इसे हमें कट करना है। तो मैंने बॉटम का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो इस तरह का पार्ट है हमारे पास, इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अब देखिए, नेट के फैब्रिक से हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 18 इंचेस, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 33 इंचेस। इस तरह के हमने 2 पीस कट कर लिए हैं नेट के फैब्रिक से। अब देखिए, नीचे बेल्ट बनाने के लिए हमने इस तरह से 8 इंचेस की स्ट्रिप कट कर ली है 2, जिसे हम बाद में बेल्ट बनाएंगे जो हमारे नेट का पार्ट है उसके साथ अटैच करेंगे। तो अब ये जो हमारा बैक का टॉप पार्ट है, उसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि बैक साइड में हमें चैन लगानी है। तो मैंने यहाँ से कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ये सिर्फ हमें बैक पार्ट में करना है। अब इसी शेप के हमें 2 और पीस कट करने हैं बेस फैब्रिक के लिए। तो ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें बेस का फैब्रिक इस तरह से उल्टा रखना है। आप चाहे तो इसकी जगह प्लेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यही फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। अब ये जो हमारी लेंथ है, उसमें ये जो हमारा स्ट्रेट पार्ट और हमारे आर्म होल में हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी अरेंज करना है। तो राइट पार्ट के ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है, उसके बाद आर्म होल, और यहाँ तक हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है, उसमें भी हमें इसी तरह का हमने बेस फैब्रिक कट कर लिया है, और इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और ये हमारा आर्म होल, ये जो हमारा स्ट्रेट पार्ट और दूसरे आर्म होल में सिलाई करेंगे, और इसकी बॉर्डर को हम सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पर भी हमने सिलाई की है, वहाँ पे हम हल्के हल्के इस तरह के नॉचेस लगाएंगे, और नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद जो हमारा ओपन पार्ट है, यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे।
इसे हम अच्छे से टर्न कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स टर्न करने हैं और जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है इसे भी हम इसी तरह से नॉचेस लगाएंगे। और इसे भी यहां से हम टर्न कर लेंगे। तो यहां पे हमने इस तरह से टर्न कर लिया है। इसी तरह से इस पार्ट को भी हमें टर्न कर लेना है। तो मैंने इस तरह से तीनों को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब इस तरह की हमने चेन ली हुई है, बैक साइड में हमें चेन लगानी है, तो इसे हम ओपन कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर आपको इस पार्ट को रखना है और ऊपर से कवर सिलाई लगा के इसे यहाँ पे लॉक कर लेना है। तो हमारी चेन यहाँ पे फिक्स हो जाएगी और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चेन को फिक्स कर लिया है। तो ये हमारा बैक का पार्ट रेडी है। अब ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है जिसे मैंने राइट साइड पर रखा हुआ है, इसके ऊपर हमें जो हमारा दूसरा पार्ट था उसे हम उल्टा रखेंगे और ये जो हमारी क्रॉच लेंथ है यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। तो मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है और इसे इस तरह से आपको टर्न कर लेना है। तो उसके बाद हमें ये जो हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ वी शेप बन रहा है उसमें हमें सिलाई कर लेना है और उसके बाद हमें इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है और बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट इस तरह से रेडी है। अब ये जो हमारा टॉप का पार्ट हमने तैयार किया था इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पर भी हम दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो 1 इंच के डिफरेंस पर यहाँ पर आपको सिलाई कर लेना है और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नेट वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो ये जो हमने बेल्ट कट किए थे उसे आपको जो हमारा बॉटम का पार्ट है नीचे का हिस्सा उसमें हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो इसे हम इस तरह से राइट साइड पे 2 फोल्ड कर लेंगे और 2 फोल्ड करने के बाद इसे हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे आपको दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और सिलाई करते जाना है और सिलाई करने के बाद हम इसे इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट इसी तरह से अटैच हो जाएगा। तो दोनों बेल्ट को हमें इसी तरह से लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में गैदरिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लूज स्टिच लगा दी है। एक धागे को सेपरेट करके हम यहाँ पे हल्के हाथों से खींचते जाएंगे तो यहाँ पे हमारी गैदरिंग बनती जाएगी और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे गैदरिंग बना ली है। अब जो हमारा बैक का पार्ट हमने बनाया है इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद आपको साइड से फिटिंग कर लेना है। ऊपर से नीचे तक आपको दोनों तरफ से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट हमने तैयार किया था उसे हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। इसे हम इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे आपको दोनों को अच्छे से मिलाना है और ये जो हमारे पूरे चौड़ाई है उसमें हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से आपको दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और सिलाई कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इस तरह से यहाँ पे मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें जो हमारी रफल बनानी है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और 4 फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से 6 इंचेस पे एक मार्क लगानी है और इस तरफ से भी आपको 6 इंचेस पे एक मार्क करना है। उसके बाद हम
दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमें रफल की लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से मैं लूँगी 5 इंचेस, 5 पे इस तरह से मार्क कर लिया है, और यहाँ से भी हमें 5 इंचेस पे मार्क करना है, और यहाँ से भी हम 5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक और राउंड शेप बनाना है। तो इस तरह से हमने दो राउंड शेप ड्रॉ कर लिए हैं। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे ही हमें इसे कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से राउंड शेप कट कर लिया है। इसकी मदद से हम रफल का पार्ट तैयार करेंगे जो हमें टॉप पार्ट में लगाना है। तो सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर को तैयार करना होगा। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है, और इसी तरह से जो हमारे अंदर की बॉर्डर है उसे भी हमें सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो हमने इस तरह से बॉर्डर को तैयार कर लिया है। अब जो हमारे अंदर की चौड़ाई है उसमें हमें इस तरह की इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इलास्टिक को हल्का सा खींचते जाना है और हमें सिलाई करते जाना है। तो यहाँ पे आपको हल्की सी गैदरिंग बनानी है। तो यहाँ पे इलास्टिक की मदद से हम गैदरिंग बनाएंगे। पूरी चौड़ाई में इस तरह से आपको इलास्टिक को फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अभी बैक साइड पे हमें यहाँ पे ओपन रखना होगा। तो इसे सेंटर से हम इस तरह से कट लगाएंगे, और ये जो हमारा सर्कल है इसे हमें ओपन कर लेना है। और इसकी जो बॉर्डर है इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सिलाई कर लेना है, और इस तरह से मैंने बैक साइड पे इसे फिक्स कर लिया है। तो जो हमारा टॉप का पार्ट था उसके साथ मैंने इस तरह से रफल को अटैच कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम को जॉइन करेंगे। तो इसके ऊपर टॉप का पार्ट हमें उल्टा रखना है, और यहाँ पे आपको दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है, और पूरी लेंथ पे हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से टॉप और बॉटम का पार्ट हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। पूरे राउंड में हमें सिलाई कर लेना है। तो मैंने इस तरह से टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। इस तरह की दो स्ट्रिप्स हमने ली है, इसी फैब्रिक से हमने स्ट्रिप बनाई है, जिसे यहाँ पे आपको नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई कर लेना है। और जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें बैक साइड पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है, और इसी तरह से आपको जो हमारी दूसरी स्ट्रिप है उसे हम इस तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे लॉक कर लेना है, और यहाँ पे भी आपको इसे सिलाई कर लेना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है, और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।